हमने कल गायनेकोमास्टिया की सर्जरी की थी एंड आई ऑलवेज से गायनेकोमास्टिया बहुत क्विक रिकवरी, वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसीजर है। इवन एज सून एज नेक्स्ट डे आपको अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं। एंड वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पेशेंट है, उनकी येस्टरडे सर्जरी हुई थी और आज वो पूरा तैयार होकर अपनी ड्रेसिंग चेंज कराने आए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनसे बात करेंगे दो मिनट कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनको फैसिलिटी कैसी लगी, ओवरऑल आज गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम को हमेशा खत्म होते देख उनको कैसा लग रहा है। मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, तो पहले दो मिनट पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो कैसे राजी हुए अपने बच्चे को ऑपरेशन कराने के लिए। तो उनके फादर साहब हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम्स देखी बच्चे में, तो उनको क्या लगा कि उनको बच्चे को ऑपरेशन करा लेना चाहिए? डॉक्टर साहब का हमने नेट पर एड देखा था और वहां काफी लोगों से संपर्क हुए, कई जगह हमने पता निकाला डॉक्टर साहब के बारे में, अच्छा रिजल्ट बताया डॉक्टर साहब का कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और है ही नहीं, बहुत बढ़िया भी रहा। डॉक्टर साहब ने हमारे बच्चे का ऑपरेशन किया, हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, और डॉक्टर साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेट किया उन्होंने सब, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सक्सेसफुल हमारा बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ से हैं? हम डॉक्टर साहब जिला बिजनौर, जगह पड़ती है नजीबाबाद। तो वहां से दिल्ली तक आना इतना नजदीक तो है नहीं? जी जी जी। तो ये कैसे जब आपने जुटाई के चलते हैं बस? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जो है योग्यता अनुसार सब कुछ हमने उस पर नेट पर देखा, आपके पेशेंट जो हैं उन्होंने सब कुछ बताया, हमें काफ़ी अच्छा लगा उनके सुनकर, और अच्छा के साथ साथ जो कुछ हम देखना चाह रहे थे वो बिल्कुल मौके पर देख लिया, सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक ठाक बढ़िया। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनका फेस नहीं दिखाएंगे, आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट रही है कि उनका फेस ना दिखाया जाए। सो जस्ट 30 सेकेंड उनसे बात करते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम थी और आज कैसा लग रहा है। एक्चुअली आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग शेम, बट नाउ आफ्टर द सर्जरी आई एम फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड, थैंक्स टू अमित गुप्ता सर। पहले जब मैं गायनेकोमास्टिया थी तो फिर मुझे मतलब थोड़ी शेम फील होती थी थोड़ा, तो इस वजह से फिर बाद में मैंने सर्जरी कराई तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, थैंक्स टू अमित गुप्ता।